नमस्कार। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ्स और फैक्ट्स हमेशा से फेमस हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। कोई कहता है डाइट इम्पॉर्टेंट है, कोई कहता है नहीं, जो मन है वो खाओ। कोई कहता है कि सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, कोई कहता है नॉर्मल डाइट खानी चाहिए। कोई कहता है पाइनएप्पल और पपाया मना है, कोई कहता है दूध और घी बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। 21 किलो घी अलग रखा जाता है 9 महीने में पूरी तरह से खिलाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और मैं आज प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप गूगल स्कॉलर, जो एक रिसर्च के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ सर्च करके देखें तो बहुत सारा आर्टिकल्स हमें मिलेगा, बहुत सारी रिसर्च हमें मिलेगी कि किस तरह प्रकार न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों समय पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ये रिसर्च के बारे में लोगों को नहीं भी पता था, तब भी लोग खाने पीने का स्पेशल ध्यान ज़रूर रखते थे ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो और बच्चे की स्वास्थ्य अच्छा रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे। मदर की भी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया जाए। लेकिन आजकल मुझे ताज्जुब होता है जब मैं बात करती हूँ उन लोगों से जो हाईली एडुकेटेड है, जो जॉब्स करते हैं, जो बहुत अच्छे प्रोफेशंस में हैं, वो ऐसी गलतियाँ करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको सुन के मुझे ऐसा लगता है कि इनसे तो वही अच्छे थे जिन्हें इन रिसर्च और पढ़ाई से रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी ये तो समझते थे कि जब एक बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है तो उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़रूर है, अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़रूर है। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं शेयर करूं, रिसेंटली एक मदर ने मुझे कहा कि उनका बच्चा अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनका इन्फेंट जिसकी एक सर्टन हाइट एंड वेट अचीव हो जानी चाहिए थी, एक सर्टन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी प्रेगनेंसी में किस तरह का न्यूट्रिशन आपने लिया, तो वो बताती हैं कि मुझे लगा कि लैक्टेशन के कारण मैं बाद में तो कुछ खा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने प्रेगनेंसी में बहुत सारा जंक फूड और बाहर का खाना खाया। मैं कोशिश करती थी कि मैं मैक्सिमम तभी खा लूँ, क्योंकि बाद में तो मुझे मौका बहुत लंबे समय तक नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता एक पढ़ी लिखी लेडी जो जॉब करती है, जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस है, उन्हें ऐसा ख्याल क्यों आया। एक और पर्सन जो रिसेंटली हमसे इंटरेक्ट किए, उनके बच्चे को कुछ एलर्जीज़ हो गई हैं। उतनी तो नहीं जितनी उन्हें बताई गई थी, लेकिन हाँ, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हैं। जब हमने उनसे उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनके न्यूट्रिशन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो कभी कभी खिचड़ी ज़रूर खा लिया करती थी, लेकिन रोज़मर्रा में वो सिर्फ एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लिया करती थी जो उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया था, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाती थी, क्योंकि नौजिया और वॉमिटिंग की वजह से उनसे खाया नहीं जाता था। मुझे ताज्जुब है ऐसी लेडी पर जो पढ़ी लिखी होकर न्यूट्रिशन को इतना ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया। मुझे ताज्जुब है उस डॉक्टर पे जिन्होंने एक मील सप्लीमेंट अपने पेशेंट को दे दिया और न्यूट्रिशन की इम्पॉर्टेंस उन्हें नहीं समझाई। क्या डॉक्टर्स नहीं जानते कि न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान? या ये डॉक्टर्स नहीं जानते कि सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में उतना बायल अवेलेबिलिटी के साथ अब्जॉर्ब नहीं होता जितना एक बैलेंस डाइट से हमें न्यूट्रिशन मिलता है? इन सब चीज़ों की रिसर्च आमतौर पे आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन हमें भुलावा देने वाले इस दुनिया में बहुत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है सप्लीमेंट्स की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जंक फूड की। लोग कहते हैं जो मर्ज़ी खाओ कुछ नहीं होता, पर जब बच्चे इन्फेंट्स के रूप में हमारे पास आते हैं जिन्हें तकलीफ़ें होती हैं, उन्हें देख के काफ़ी दुख होता है, क्योंकि अगर बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाद में उसकी डेवलपमेंट पे असर ज़रूर आएगा। इस बात की बहुत रिसर्च अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको ज़रूर सर्च कर सकते हैं। एक और बात जो डायरेक्टली डाइट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो डाइट को इफ़ेक्ट ज़रूर करती है। आजकल काफ़ी पेरेंट्स से सुनने में आता है कि बच्चे रात को सोते ही नहीं हैं, पूरी रात जगे रहते हैं, उन्हें सुलाना बहुत मुश्किल है। एक बात मैं जानना चाहूँगी, जब हम लोग जॉब करते हैं, अकेले रहते हैं,
पेरेंट्स के दबाव से दूर। तो आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स ने ऐसी हैबिट्स डेवलप कर ली है कि वो अपने जॉब के बाद या तो घूमते हैं या नेटफ्लिक्स या प्राइम पे वीडियोस देखते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं और वो खुद रात को बहुत लंबे समय तक सोते ही नहीं। ऐसी रिसर्च है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले मदर की स्लीप पैटर्न ख़राब थी तो इन्फेंट की भी स्लीप पैटर्न ख़राब ही होगी। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, मैं कुछ ऐसे डाइटिशंस को जानती हूँ जो मेरे मित्र हैं, मेरी दोस्त हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, उनकी प्रेगनेंसी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, उनके बेबीज़ को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना स्लीप पैटर्न को लेकर, ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर, और ना ही उनके इन्फेंट को न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई, ग्रोथ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद डाइटिशंस हैं, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हैं, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखती हैं, अपने स्लीप पैटर्न का ध्यान रखती हैं। उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान भी वो एक्सरसाइजेस की जो ज़रूरी थी, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई, उनके बाद में भी उन्होंने स्लीप पैटर्न अपना भी अच्छा रखा, बच्चे का तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही गया। इतना मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी के पहले भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। आज की डेट में मैं देखती हूँ बहुत सारे मीम्स ऐसे बनते हैं, टी शर्ट्स बनती है कैप्शंस के साथ जिसमें डिसिप्लिन का मजाक उड़ाया जाता है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। डिसिप्लिन हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, क्योंकि अगर हमारी सुबह अच्छी होती है तो हमारा पूरा दिन अच्छा ही निकलता है। अगर हम टाइम से उठेंगे, हम टाइम से ब्रेकफास्ट करेंगे, हम ऑटोमेटिकली पूरा दिन सब डिसिप्लिन में बिताएंगे और हमारा दिन अच्छा जाएगा। ये बात सिर्फ एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं, एक बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक बच्चा जो रात को 1 बजे 2 बजे सोता है और उसे सुबह 6:30 बजे उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, KG स्कूल जाने के लिए, उसको स्लीप डिप्राइवेशन तो होगी ही ना। ऐसे बच्चे को मैं जानती हूँ जो रात को देर से सोता था, सुबह देर से उठता था, उसे तुरंत स्कूल जाना होता था तो वो थोड़े से दूध के अलावा ज़्यादा कुछ लेके नहीं जा पाता था, कोई प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं, स्कूल में दिया हुआ टिफ़िन वो कभी खाता था कभी नहीं खाता था, घर आके उसमें कोई एनर्जी नहीं होती थी, वो इतना टायर्ड और क्रैंकी होता था कि तुरंत सो जाता था। शाम के 5 बजे जब वो उठता था, दैट यूज़ टू बी हिज फर्स्ट मील ऑफ द डे, एंड दैट चाइल्ड केम विद स्टंटेड ग्रोथ। क्यों ना हो? उसके बाद उनकी मदर का क्लेम था कि जो हमने डाइट प्लान में जितना खाना दिया है उतना खाना तो वो उन्हें ज़रूर खिला रही थी। पहली बात तो अगर शाम भर में उतना खाना उन्हें खिलाया जा रहा है तो डाइजेशन इश्यूज होने के फ्यूचर में चांसेस हैं, और दूसरी बात ये कि पूरा दिन बच्चा नहीं खा रहा, शाम को अगर हमने किसी तरह ज़बरदस्ती उस बच्चे को उतना खिला भी दिया जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है तो भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो सकती। हमें पूरे दिन प्रॉपरली खाने की ज़रूरत है। ये तो आज की जनरेशन की हालत है, जहाँ पर पेरेंट्स ने बहुत डिसिप्लिन से हमें परवरिश दी थी, वो आज अपने घर से बाहर निकल के जब जॉब्स करते हैं तो अपने डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं। तो जो बच्चे शुरुआत से ही इस तरह से बिना डिसिप्लिन के जी रहे हैं, उनका कल को क्या हाल होगा, क्या हमने सोचा है? आजकल डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, लिवर डिजीज़ 30s की एज में इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, आप क्योंकि हमने बड़े होने के बाद अपनी लाइफस्टाइल ख़राब करी है। इमेजिन जिनका फीटस लेवल से लाइफस्टाइल ख़राब है, जिनका इन्फेंट लेवल से लाइफस्टाइल ख़राब है, उनकी कल को क्या हालत होगी, क्या हमने सोचा है इसके बारे में? मैंने एक बहुत अच्छी डाइटिशन है साउथ इंडिया में, जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सीनियर लेवल डाइटिशन है, उनके एक आर्टिकल्स मैं फॉलो करती हूँ, और मैंने एक पढ़ा उनका आर्टिकल जिसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि डोंट प्लान अ बेबी व्हेन यू आर रेडी फॉर अ बेबी, प्लान अ बेबी व्हेन यू आर रेडी टू रेज अ पर्सन, बिकॉज द बेबी पार्ट इज गोइंग टू एंड इन 2 ईयर्स एंड द पर्सन has to be healthy physically, mentally and socially। जो बच्चा फीटस के टाइम से मैलनरिश्ड है, इनडिसिप्लिनड है, जो हमेशा से स्लीप डिप्राइव रहता है, क्रैंकी रहता है, जो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता, वो बड़ा होकर हेल्दी कैसे हो सकता है? फिजिकली भी नहीं हो सकता, मेंटली भी नहीं हो सकता, सोशली भी नहीं हो सकता। We have to start thinking, if you are planning pregnancy, be careful of your nutrition, be careful of your diet and lifestyle.
इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई नो मैं बहुत ही हार्ड हिटिंग फैक्ट्स आपको बता रही हूँ जो शायद सुनने में बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते। रिसेंटली हमें एक पर्सन ने ज्वाइन किया चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए। मैंने जब उनकी काउंसलिंग की, उन्होंने कहा कि आप बच्चे को जो भी सिखाने के लिए कह रहे हैं वो पहले मुझे खुद करना पड़ेगा, इस डिसिप्लिन में मुझे खुद आना पड़ेगा। और उस फर्स्ट काउंसलिंग के बाद उन्होंने बाकी काउंसलिंग्स नहीं ली, ऑल्दो वो पे कर चुकी हैं उसके लिए। उन्हें कई बार प्रॉम्प्ट करने के बाद भी नहीं, क्योंकि वो खुद एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीना चाहती। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के लिए कैसी ज़िंदगी चाहते हैं। डू वी रियली वॉन्ट देम टू बी हेल्दी और नॉट। वी हैव टू चेंज आवर वेज एंड देन मेक आवर चिल्ड्रन डिसिप्लिन सो दैट दे लीव अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी मीन्स फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो। अगर आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन से रिलेटेड डाइट प्लान्स, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स, कस्टमाइज्ड काउंसलिंग्स चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.thebasicneeds.com पे और कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, डाइटिशियन अनुराधा शर्मा या फिर डॉक्टर प्रज्ञा के साथ। यू आर मोस्ट वेलकम टू रीड आवर ब्लॉग्स रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन विच आर देयर ऑन आवर वेबसाइट। आप के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप हमें YouTube या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें जिनका लिंक नीचे गिवन है, ताकि आपको ये मोटिवेशन रेगुलरली मिलती रहे। नमस्कार।